दोस्तों थंबनेल में आप लोगों ने वॉल इफेक्ट वाला जो इमेज देखा है उस तरह का आप अपने फोटो का इमेज भी काफ़ी आसानी से दोस्तों अपने मोबाइल में तैयार कर सकते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से। तो उसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसे दोस्तों आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर प्लस वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। और यहां पर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहां पर आपको एक दोस्तों ऑप्शन मिलेगा ड्राइंग का ऑप्शन, और फिर यहां पर आपको एक पिक कैनवास का ऑप्शन होगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको स्क्रीन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। और यहां पर आपको ड्रॉ ऑन फोटो का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला फोटो और यहाँ पर ये दो फोटो जो है उस दोनों फोटो की लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप अपने मुताबिक से आपको जो भी पसंद आए वो यहाँ पर अपने इमेज के दौरान रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस बार ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका भी लिंक, इन दोनों इमेज का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोगों को वहाँ से इस इमेज को दोस्तों डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एडिट इमेज पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको अपना एक फोटो जो है उसे लाना है, तो उसके लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ऐड फोटो का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहां से आपको अपना फोटो जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहां से ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर इसका बैकग्राउंड जो है उसे इरेज करना है, तो उसके लिए आपको यहां पर नीचे आना है और यहां पर आपको एक कटआउट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए ऑटो कटआउट का भी ऑप्शन है, तो इस पहले वाले पर आपको क्लिक कर देना है, ताकि ऑटो अगर आप चाहे तो यहाँ से भी आप अपना बैकग्राउंड जो उसे इरेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ पर इसे ऑटो बैकग्राउंड कट पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ठीक तरीके से अपना जो फोटो का बैकग्राउंड है वो इरेज करना है। यहाँ उसके बाद आपको यहाँ पर इस सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड जो है वो इरेज हो चुका है, तो इसे अपने हिसाब से आपको अपने फोटो को बड़ा कर लेना है। अब दोस्तों इसकी यहाँ पर आपको ओपेसिटी मिल रही है, तो उसे आपको यहाँ पर अपने हिसाब से घटा देना है। तो यहाँ पर मैं 60 तक रख लेता हूँ दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए एफएक्स का ऑप्शन मिल रहा है, एफएक्स इफेक्ट का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है एक बार। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए इस मैजिक वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक रेनबो का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, तो उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उस एक बार फिर से आपको उस रेनबो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से दोस्तों इसे एडजस्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको एक ऊपर दोस्तों इरेज का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आपको टैप करना है। और फिर यहाँ पर अपनी जो बॉडी दिख रही है दोस्तों, मतलब बाल हो गया और यहाँ पर ये मुँह हो गया, उसके ऊपर से इस इफेक्ट को दोस्तों यहाँ पर आपको इरेज कर देना है, हटा देना है दोस्तों, ताकि हमारा चेहरा जो दोस्तों अच्छी तरीके से दिख सके। और बॉडी का जो भी पार्ट दोस्तों दिख रहा है उसमें भी आपको इस इफेक्ट को हटा देना है दोस्तों। फिर दोस्तों आपको यहां पर राइट का बटन मिल रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको टूल्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर यहां पर आपको इस एडजस्ट के बटन पर क्लिक करना है, और यहां से आपको क्लिक करना है दोस्तों इस सेचुरेशन पर, और इसको थोड़ा सा दोस्तों बढ़ा देना है आपको। और फिर यहां पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा दोस्तों शेडो का, तो उस पर आपको क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा घटा देना है दोस्तों आपको। और फिर यहां से राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और इमेज यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एड फोटो पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक इमेज यहाँ पर लाना है, ये वाला इमेज, तो इसका भी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज में हम बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से इसे सेट कर देते हैं दोस्तों। इसका ओपेसिटी आपको 100 तक ही रहने देना है, और यहाँ पर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फिर से आपको एक अपना नया फोटो जो है उसे यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए भी आपको इस ऐड फोटो पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपना जो दूसरा पोज वाला फोटो है वो दोस्तों यहाँ पर लाना है, मतलब कुछ इस तरह का फोटो, तो यहाँ पर इसका भी बैकग्राउंड हमें इरेज करना है। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर फिर से हमें जाना है कटआउट के ऑप्शन पर,
और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटो कटआउट पर मैं क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। एक दो सेकंड दोस्तों वेट कर लेते हैं, अपने आप ही जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों इरेज हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ऑटो पर रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो है दूसरा वाला फ़ोटो है वो दोस्तों ठीक तरीके से यहाँ पर नहीं आ सका है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों अपना फ़ोटो जो यहाँ पर इस एडिटिंग के करते समय। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ यहाँ पर देखिए हम फ़ोटो को यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद इस फ़ोटो पर आपको क्लिक करना है दोस्तों और यहाँ पर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर से, और फिर से आपको एडजस्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सैट्यूरेशन पर क्लिक करना है, इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है दोस्तों, और यहाँ पर शेडो पर क्लिक करना है, इसे थोड़ा सा घटा देना है, और यहाँ पर आपको इस कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करना है दोस्तों और इसे भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो दोस्तों इस तरह का दिख रहा है कि यहाँ पर पीछे वॉल में हमारा एक फ़ोटो है और वहाँ पर हम ये दूसरा फ़ोटो पोज देकर यहाँ पर फ़ोटो खींचा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो वॉल इफेक्ट वाला फ़ोटो जो है उसे हम तैयार कर सकते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों, बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर अगर आप दोस्तों और भी कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं अपने फ़ोटो में तो लाइट रूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम देंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों यहीं तक हम हमारा वीडियो रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों इस तरह के नए वीडियोज़ पाने के लिए।